Hi, welcome to my channel. It's between solve current question number 16. Find the product 24x square in bracket 1 minus 2x and evaluate its value for x is equal to 3. एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्टली इसी में पुट करके सॉल्व मत करिएगा. इसका पहले प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिएगा. इसका प्रोडक्ट क्या होगा, मीन्स 24x स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. उसके बाद जो मिलेगा उसमें x की वैल्यू पुट करिएगा, देन यू विल गेट द राइट आंसर और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे तभी और तभी. सबसे पहले 24x स्क्वायर को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें 24x स्क्वायर माइनस, ठीक है, प्लस है यहाँ पे, यहाँ माइनस है तो माइनस ही होगा डेफिनेटली. 24x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x में, मिल जाएगा आपको 24x स्क्वायर. अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3, वी गेट, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 इंटू 3 करेंगे 9 मिलेगा, 24 इंटू 9 माइनस 48 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 27. सॉल्व कर लेते हैं तो 24 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 4 जा 48 इंटू 27 1296. भी माइनस करेंगे तो आपका नेगेटिव में वैल्यू आएगा, नेगेटिव 216 माइनस करेंगे 0801 माइनस 1080. सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16. सो दिस इज नॉट द ओनली आंसर, दिस इज आल्सो योर आंसर, क्योंकि आपको फाइंड करना था प्रोडक्ट भी और इवेल्युएट भी करना था इसका वैल्यू. सो दिस टू आर इट्स आंसर्स. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Bye.